एक्चुअली हिमाचल में पहली एकेडमी खुली थी. इससे पहले बच्चों को जो भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करते थे वो हमें चंडीगढ़ जाना पड़ता था. तो जब से हमीरपुर में एकेडमी है तो यहाँ पे ऐसा है कि होम इन्वायरमेंट भी है हमारा, और जो भी हम लोगों को पहले फाइनेंशियल क्राइसिस भी रहते थे, जिनको इश्यूज रहते थे, तो उससे तो हम लोग थोड़ा कम बजट में भी कोचिंग ले सकते हैं. कनिका नर्सिंग अकेडमी का एक्सपीरियंस अच्छा है. मतलब जो भी फैकल्टीज़ है गुड इंस्टीट्यूट से है, हाईली एजुकेटेड हैं, और वो हम लोगों की प्रिपरेशन भी उसी टाइप से करवाते हैं जैसे हमारे एग्ज़ाम्स आते हैं. सारे की पॉइंट्स जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की एक्सरसाइजेस होते हैं वो सारे करवाते हैं, एंड वीकली टेस्ट होते हैं, टेस्ट सीरीज चलती है, उसके अकॉर्डिंग हमारी प्रिपरेशन अच्छी हो गई है. जी सर, मैं सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि जैसे मैम ने, मैंने एडमिशन ली तो मैम ने जैसे बताया था कि आपको टेस्ट मिले, मतलब जो पहले टेस्ट होते हैं वो आपको करवाए जाएंगे, और जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है आप हमसे आके पूछ सकते हो, और बुक्स इशू करवानी है तो वो भी करवा सकते हो. कोई भी मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सच उन्होंने बोला था वैसे ही, मतलब वो प्रोवाइड करवा रहे हैं अपना मटेरियल एजुकेशन का. सर, जैसे कि हिमाचल में ये फर्स्ट अकेडमी है नर्सिंग की, तो सभी के लिए बहुत बेनिफिट है, क्योंकि हर कोई जो है वो मतलब अपनी आउट ऑफ स्टेट जो है वो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकता है. इसलिए मेरी तरफ से तो मतलब अब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, और मेरे अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ का. पहले ये बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं. आई एम फ्रॉम बिलासपुर. अच्छा, तो आपने यहाँ पे रूम लिया. यस मैम, मैं रूम में रहती हूँ. आपका एक्सपीरियंस कैसा है नर्सिंग अकेडमी? मैम, इट वॉज़ वेरी नाइस, बिकॉज ये नर्सिंग अकेडमी फर्स्ट नर्सिंग अकेडमी है हिमाचल में, जो कि बहुत अच्छी है. और मैं एडवाइस करूँगी जिन बच्चों ने नर्सिंग करी है, अभी कंप्लीट करी है, तो वह यहाँ से कोचिंग लें. यहाँ पे एक्सपीरियंस अच्छा है, और आप आगे किसी भी कंपटीशन के लिए तैयारी करें तो आप कंप्लीट कर सकते हो. फैसिलिटीज़ क्या क्या है यहाँ पे? मैम, यहाँ पे मतलब हर टॉपिक जो हमें पढ़ाते हैं वो डिटेल में पढ़ाया जाता है. जो भी हमारी फैकल्टी है वो वेल एजुकेटेड है, और हायर स्टडीज़ उन्होंने करी हैं, तो हमें अच्छा नॉलेज गेन करवाते हैं वो लोग. तो कितने मंथ तक एजुकेशन देते हैं? मैम, 3 मंथ और 5 मंथ. नमस्कार, स्वागत है आपका आज टूडे के विशेष कार्यक्रम में. आज हम आए हैं कनिका नर्सिंग अकेडमी में. आइए हम जानते हैं वहाँ की डायरेक्टर से, मोनिका. आइए हम जानते हैं वहाँ की डायरेक्टर, जिनका नाम है मोनिका. नमस्कार मैम, तो आप हमें बताइए कि यहाँ बच्चों को क्या क्या फैसिलिटीज जो हैं आप प्रोवाइड करवाते हैं? मैम, फैसिलिटीज से आपका मतलब स्टडीज़ और उनके रेजिडेंशियल से है. तो मैम, पहले मैं बताना चाहूँगी, हमारे यहाँ पे हम 3 तरह के कोर्सेज बच्चों को अवेलेबल करवा रहे हैं. एक, प्लस टू के बाद जो बच्चे नर्सिंग में आना चाहते हैं उनके लिए कोचिंग है, स्पेशली जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में जाना चाहते हैं, लाइक PGIE, एम्स, दिल्ली. और इसके अलावा 2nd तरह का कोर्स है हमारे पास, जो ऑलरेडी नर्सिंग कर चुके हैं और जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एज अ स्टाफ जाना चाहते हैं, लाइक सेम PGIE में हो गया, फिर हमारा एम्स दिल्ली हो गया, हमारा इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला हो गया, टांडा हो गया. जैसे कि अभी वैकेंसीज हमारी अनाउंस हुई हैं HP सर्विस सिलेक्शन कमीशन के थ्रू, तो उन सब की हम तैयारी करवा रहे हैं. इसके अलावा जो नर्सेज मिलिट्री नर्सिंग में जाना चाहती हैं उनके लिए स्पेशल कोचिंग यहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास. इसके लिए स्पेशली हमारे पास डेली 3 to 4 hours की क्लासेस चलती हैं, और इन क्लासेस में स्पेशली हम बच्चों को जनरल नॉलेज हिमाचल का, नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स कवर करवाते हैं. और इसके अलावा नर्सिंग के जो 4 साल में बच्चों ने पढ़ाई की है अपने नर्सिंग कॉलेज में, उसकी भी सारी ब्रशअप करवाते हैं हम बच्चों को. उनको भी हम कॉम्पिटिटिव लेवल पे वो सारी तैयारी यहाँ पे करवाते हैं. और जो हमारे पास स्पेशली स्टाफ है वो वेल ट्रेन्ड और वेल एक्सपीरियंस्ड स्टाफ है. मेरे पास जो स्टाफ है वो सब मास्टर्स हैं नर्सिंग में, मिनिमम क्वालिफिकेशन उनका, और सबके पास एटलीस्ट 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है. और जिस चीज़ में वो स्पेशलिस्ट हैं वही क्लासेस वो लेते हैं, ताकि बच्चों को सही से डीप नॉलेज उस सब्जेक्ट का वो प्रोवाइड करवा सके. इसके अलावा यदि आप बाकी रहने की फैसिलिटी के बारे में पूछना चाह रहे हैं, तो स्पेशली हमने यहाँ पे हमारे PGs हैं जो वेल फर्निश्ड हैं, और बच्चों की पॉकेट के हिसाब से हैं, ताकि बच्चों को रीजनेबल रेट के ऊपर उनके रहने खाने पीने की फैसिलिटी हम उनको प्रोवाइड कर सके. इसके अलावा अकेडमी में हमने कैमराज इंस्टॉल किए हैं बच्चों की, क्योंकि ये गर्ल्स
इंस्टीट्यूट है, कोचिंग अकेडमी है, तो स्पेशली कैमराज हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए जो हमने 24 आवर्स चलते हैं यहाँ पे, सिक्योरिटी गार्ड है हमारे पास, ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं हमने गर्ल्स स्टूडेंट को यहाँ पे प्रोवाइड की हैं। और क्लासेस जो हैं वो फ्लेक्सिबल बेसिस पे हैं, टाइमिंग्स पे हैं, क्योंकि हमारे प्रोफेशन में कई ऐसी नर्सेज हैं जो कि मैरिड हैं, छोटे बच्चे हैं उनके, तो वो मॉर्निंग आवर्स में क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए स्पेशली आफ्टरनून और इवनिंग बैचेस चलते हैं। अकेडमी का टाइमिंग्स मॉर्निंग 9 o'clock से लेके इवनिंग 7 o'clock तक चलता है, और डेली 3 to 4 hour का एक बैच बच्चों का चलता है। और हमारे यहाँ स्पेशल फोकस बच्चों के ऊपर होता है, इस वजह से हम बैच में बच्चे भी कम लेते हैं, ताकि हम टोटली बच्चों के ऊपर फुल कंसंट्रेशन दे सके अपना। तो मैम, जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं उनका मतलब एक्सपीरियंस कैसा है? देखिए मैम, अभी तक तो बच्चों ने हमें जो फीडबैक दिया है वो बहुत अच्छा है। उन्होंने हमें यही कहा है कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने अपने एकेडमिक्स टाइम में नहीं पढ़ी थी, लेकिन जैसे ही जब वो कोचिंग के लिए आए हैं तो बहुत सी चीज़ें ऐसी उनको अब पता चल रही हैं जो एंट्रेंस बेसिस के हिसाब से उनके लिए बिल्कुल न्यू हैं। और स्पेशली जैसे मैंने बताया आपको, नर्सिंग के अलावा हम अदर चीज़ों पे भी कंसंट्रेट करते हैं, तो स्टूडेंट्स आर टोटली सेटिस्फाइड एंड वेरी कॉन्फिडेंट कि इस बार जो भी टेस्ट वो टेस्ट में बैठेंगे, एटलीस्ट वो अपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ और फुल तैयारी के साथ बैठेंगे। मैम, मतलब कितने ईयर हो गए इस संस्थान को खुले हुए? मैम, ये वैसे तो 2016 में हमारा कनिका नर्सिंग अकेडमी चंडीगढ़ में खुला था। ये हमारा फर्स्ट ब्रांच है हमीरपुर में, हिमाचल का पहला संस्थान है ये, नर्सिंग कोचिंग संस्थान है, और यहाँ पे हिमाचल में खुले हुए अभी हमने इसी साल खोला है, ये जून में 2019 में, तो उस हिसाब से 4-5 महीने हो चुके हैं, हमारे 3 batches निकल चुके हैं। तो मैम हमें बताइए, मतलब अब तक कितने बच्चों की सिलेक्शन यहाँ से हो चुकी है? मैम, अभी रिसेंटली हमारे इसका MSc नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट IGMC का हुआ था, उसमें 2nd rank जो है, 13th rank जो है वो हमारे कनिका नर्सिंग एकेडमी के ही स्टूडेंट हैं, तो उसमें मास्टर्स में बच्चों ने क्रैक किया है। इसके अलावा अभी नर्सिंग ऑफिसर्स एम्स दिल्ली का पेपर हुआ था, उसमें हमारे स्टूडेंट्स ने क्लियर किया है नर्सिंग ऑफिसर का टेस्ट। इसके अलावा जो पोस्ट बेसिक एंट्रेंस टेस्ट IGMC शिमला का हुआ, उसमें बच्चे हमारे निकले हैं। BSc नर्सिंग का एंट्रेंस टेस्ट जो हमारा HPU का हुआ, उसमें हमारे बच्चे निकले हैं। इसके अलावा अभी PGI चंडीगढ़ का टेस्ट हुआ हमारा, MSc एंट्रेंस टेस्ट हुआ, फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग का टेस्ट हुआ, उसमें भी कनिका नर्सिंग अकेडमी के स्टूडेंट्स ने अपना पोजीशन लिया है। Thank you.